नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और खास एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़े अपडेट्स की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के शो में मिलवाएंगे आपको मर्सिडीज बेंज की 2024 GLE LWB से, और उसके बाद यामा की MT03 और R3 की सवारी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर। Working hard, pushing, get my weight up. Stay focused on point. 2023 की शुरुआत से ही Mercedes Benz India अपने facelifts, अपनी गाड़ियों के नए अपडेट्स और कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने में धड़ाधड़ लगा हुआ था, और इसमें से एक आज हमारे साथ है, जो है Mercedes की ऑल न्यू GLE LWB। तो क्या चेंज हुआ है, तब्दीलियां क्या हुई है इस Mercedes की नई GLE में, क्या इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इसमें नया ऐड करा गया है, क्या इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस इसमें देखने को मिलता है, और क्या कीमत इस नई GLE की रखी गई है, सबके बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं इस Mercedes Benz GLE के रिव्यू की। अब जो फ्रंट फेस में तब्दीली हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रंट फेस इसके देखने को मिल रहे हैं। जो एक ग्रिल का ट्राई एरो पैटर्न है जो मर्सिडीज की अब बहुत सी गाड़ियों में हम देख रहे हैं, तो ये नया पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज का लोगो है, एंड जो इसका फ्रंट बम्पर है वो भी स्लाइटली रीडिजाइन करा गया है। क्रोम का एलिमेंट आप नीचे इसके बम्पर में भी देख सकते हैं, एंड इसके अलावा जो हेडलैम्प्स हैं, मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। हालांकि हेडलैम्प सेम है बट अंदर जो हाउसिंग है वहाँ पे थोड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इसके अंदर हुए हैं, एंड सेंटर में यहाँ पे भी Mercedes का लोगो है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो स्टांस है, फ्रंट स्टांस कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा है, वही डिजाइन अब भी इस GLE में देखने को मिलता है। साइड की बात करें तो साइड में जो यहाँ पर चेंज हुआ है, इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन बदल गया है। अब ये जो वर्जन है ये हमारे साथ AMG वर्जन इसका है, जो कि पेट्रोल में है, डीजल में भी अवेलेबल है बट ये पेट्रोल वाला है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन देखने को मिलता है। थोड़ा वो एरो वाला फील इसके अलॉय व्हील्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड AMG की बैजिंग आपको इसके अलॉय व्हील्स में भी देखने को इधर मिल जाएगी। अब हालांकि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है इस GLE का, उसमें 19 इंच के व्हील्स आते हैं, लेकिन जो AMG वेरिएंट है उसमें 20 इंच के व्हील्स आते हैं, और 2 सेंटीमीटर सेक्शन के व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन साइड स्टेप देख सकते हैं, ये इस मेटल फिनिश में दिया गया है, एंड ओवरऑल जो साइड का स्टांस है, लेंथ लंबाई की बात करूँ तो वो भी कोई वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा है। कोई चेंज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन आप साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है। रूफ रेल देखने को मिल जाती है यहाँ पे मेटल फिनिश में, प्लस थोड़ा सा ये मैट ब्लैक प्लास्टिक एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आए तो डिज़ाइन में यहाँ पर भी मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो टेल लैंप है उसकी हाउसिंग अलग से थोड़ी रखी है, थोड़ा सा डिज़ाइन में अब फर्क देखने को मिलता है, एंड बहुत ही माइन्यूट सा आपको बम्पर में भी, रियर बम्पर में यहाँ फर्क देखने को मिलेगा। एंड स्किड प्लेयर आपको ये कुछ इस तरह से क्रोम में देखने को मिल जाती है। ड्यूअल एग्जॉस्ट GLE 450, ये पेट्रोल वेरिएंट है तो इसकी बैजिंग है, फोमैटिक AMG है तो वो बैजिंग देखने को मिल जाती है। सो मोटा मोटा ये कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस नई GLE के अंदर हुआ है। अब इस नई GLE के अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं इंटीरियर को लेकर, सबसे पहले ये बड़ा सा स्क्रीन आपको यहाँ, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिवाइडेड है, तो ये भी अब Mercedes की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये नई GLE में भी ये नया MBUX सिस्टम इसमें दिया गया है, जहाँ पर नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो कनेक्टिविटी, ऐप, कम्फर्ट सेटिंग्स, एंड इसमें जो है ऑफ रोड मोड भी दिया गया है, जिसमें आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी जो डेटा आपको चाहिए वो भी यहाँ आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एक और फीचर जो दिया गया है, जो कि आपको अंडर द बोनेट या कहीं फ्रंट का जो व्यू है, बोनेट नीचे वाला भी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल गाड़ी स्टेशनरी है, लेकिन गाड़ी जब मूव करेगी तो आपको ये नीचे वाला व्यू भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये भी ये नया एडिशन इस Mercedes की ऑल न्यू GLE में हुआ है। नीचे आए तो यहाँ पर आपको 4 AC वेंट्स दिए गए हैं, साइड में 2 अलग से हैं, एंड यहाँ पर जो बटन्स की ओवरऑल फील है ये भी पहले जैसा है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। देन वायरलेस चार्जिंग है, एंड यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे होता है, तो यहाँ पे भी कूल्ड का ऑप्शन इधर दिया गया है, एंड यहाँ से आप उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे टच पैड दिया गया है, जो कि इसके
स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। एंड लेफ्ट साइड में आए तो ये डायनामिक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको तीन मोड का ऑप्शन दिया गया है, कंफर्ट मोड है, इको मोड है, देन देयर इज ऑफ रोड मोड। तो यहाँ पर ये सेटिंग आप इसमें जाके कर सकते हैं। इसके जो मोड्स अलग अलग दिए गए हैं ड्राइव के हिसाब से, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, फिजिकल बटन्स फॉर नेविगेशन, रेडियो, टेलीफोन, एंड जो गाड़ी की हाइट है, अब जो AMG वर्जन है उसमें आपको एयर सस्पेंशन मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप उसकी हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो देर। उसके लिए यहाँ पर ये लीवर अलग से दिया गया है। ओवरऑल मामला पूरा स्टिच है, कहीं भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मर्सिडीज की गाड़ी है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो भी नया हो गया है, वो भी एकदम बदल गया है, पियानो ब्लैक फील है, सेंटर में मर्सिडीज का स्टार लोगो, लेदर स्टिच देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स अब मर्सिडीज की और गाड़ियों में देखने को मिलते हैं जो नए अपडेट्स आए हैं, फेसलिफ्ट्स आए हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी कंट्रोल्स का मामला है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर वो सेम MBUX सिस्टम वाला ही फील है, जो आप थीम वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर है, रेंज है, डिस्टेंस टू MT, टेम्परेचर, टाइम एंड गियर इंडिकेटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रही है। एंड इसका जो ओवरऑल लेआउट है वो भी आप इसकी थीम के जरिए बदल सकते हैं जैसा ही आपको इसका लेआउट चाहिए। एंड सीट्स भी आप देखेंगे काफी कंफर्टेबल, लेदर स्टिच एंड बोलस्टरिंग भी यहाँ पे काफी अच्छी सीट्स में इधर देखने को मिल रही है। सेंटर में आर्मरेस्ट, यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, दो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे फ्रंट में भी दिए गए USB-C, एंड सामान रखने की जगह काफी अच्छी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस फ्रंट कतार में। तो इस नई GLE की पिछली कतार में बैठा हूं मैं, तो मामला यहाँ पे काफी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। सीट्स का जो एंगल है, आई एम इन लव विद इट, जिस तरह से थाई सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बैक का एंगल बन रहा है, जिस तरह से रिक्लाइन दिया गया है, काफी अच्छा मुझे सपोर्ट यहाँ पीछे बैठ के सीट्स में देखने को मिल रहा है। आ गई सीट, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, एंड लेग रूम भी काफी अच्छा यहाँ पे इसमें दिया गया है, इनकेस यू वॉन्ट टू स्प्रेड योर लेग्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर भी सकते हैं। हालांकि ये जो पेट्रोल वर्जन है अब हाइब्रिड के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत पावर वहाँ से जनरेट होता है, एंड यहाँ पे कुछ आपको उसका बैटरी वाला थोड़ा सा अड़ेगा, बट स्टिल यू कैन स्प्रेड योर लेग्स, थोड़ा सा यहाँ पे जगह देखने को जरूर मिल रही है। और इसके अलावा आपको 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल भी इस GLE में मिलता है, यानी कि आगे दो पैसेंजर्स के लिए ऑब्वियसली है, एंड जो फ्रंट के दो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हीटेड और कूल्ड सीट्स का ऑप्शन दिया गया, लेकिन पीछे नहीं है, बट यहाँ पे आपको पीछे जो लोग बैठे होंगे उनके लिए इंडिविजुअल AC का यहाँ पे जोन दिया गया है, जो कि आपको इस साइड बी पिलर में देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ सेंटर में भी उसके वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एंड कंट्रोल आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में जो भी सेटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड कप होल्डर्स दो अलग से पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग से दिए गए हैं, एंड ऑल्सो हेडरेस्ट तो दिया गया है, बट यहाँ पे हेडरेस्ट में ये कुशन भी ऐड करे गए हैं टू ऐड एक्स्ट्रा कम्फर्ट इन दी ऑल न्यू GLE। एंड यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से ये आर्मरेस्ट है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड ये सामान रखने की कुछ जगह है, टेक्स्चर वेरी नाइस, ग्रिप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो फोन वगैरह कुछ भी रखेंगे तो स्लाइड नहीं होगा, बट इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्पेस इधर भी देखने को इसमें मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो मैं कह रहा था पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, तो नज़ारा ऑफ कोर्स यहाँ से ही आपको इस पैनोरामिक सनरूफ का बेहतरीन मिलने वाला है। अब जो इसमें इंजन दिया गया है, जो गाड़ी आज हमारे साथ है, जो वेरिएंट आज हमारे साथ है, पेट्रोल वाला है, तो परफॉर्मेंस किस तरह का है, क्या थोड़ी बहुत तब्दीली वहाँ फील हो रही है, किस तरह का ड्राइव, किस तरह का हैंडलिंग है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ जो आज हम चला रहे थे, तो इसमें जो इंजन दिया गया है 3 लीटर का है, एंड ये जो इंजन है 6 सिलेंडर इंजन है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो पावर जो इंजन जनरेट करता है पेट्रोल वाला अराउंड 375 BHP की ये पावर जनरेट करता है, और टॉर्क है 500 Nm का, 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है, और टॉप स्पीड इसकी है 250 km/h की। बट फॉर रेफरेंस जो 450D डीजल वर्जन है उसकी पावर फिगर्स बता देता हूँ, अराउंड 362 BHP के आसपास पावर है और 750 Nm का टॉर्क वो जनरेट करता है, और जो 300D वाला डीजल वेरिएंट है उसका पावर है अराउंड 263 BHP के आसपास और टॉर्क है 550 Nm का, और टॉप स्पीड इस 300D वाले वेरिएंट की है 230 km/h। अब गाड़ी का जो साइज है एंड जो पावर इस गाड़ी से निकलती है, साइज के हिसाब से किसी भी तरह की पावर में कमी इस मर्सिडीज बेंज की नई GLE में देखने को नहीं मिलेगी, तो वो फन और एक्साइटमेंट वाला फैक्टर भी इस गाड़ी के परफॉर्मेंस से निकलता हुआ दिखाई देता है, एंड वहां पर किसी भी तरह का कोई इशू इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस मर्सिडीज बेंज की GLE में देखने को नहीं मिला थी। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप्स और ब्रेक की, तो एयर सस्पेंशन इसमें दिया गया है, एंड वो भी आप अलग अलग मोड में जब स्विच करेंगे तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा,
एंड गाड़ी में जो सीट और स्पिंजन सेटअप का कॉम्बिनेशन है वो भी कंफर्ट काफी अच्छा प्रोवाइड करता है, और तेज रफ्तार में भी शार्प टर्न्स जब मैं ले रहा था तो वहां पर काफी अच्छा होल्ड भी इसकी सीट्स में देखने को मिला। सीट्स का जो है इसमें दो ऑप्शन है, सीट्स के ऑप्शन इसमें हालांकि अवेलेबल है, बट जो वर्जन हमारे साथ था काफी अच्छी बोस्टरिंग भी सीट्स की इस मर्सिडीज बेंज की जीएलई में देखने को मिल रही थी। अब ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी काफी प्रिसाइज, सटीक, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है तो ब्रेक की बाइट में भी किसी भी तरह की कमी इस मर्सिडीज बेंज की जीएलई में देखने को नहीं मिली। काफी शार्प और प्रिसाइज इसकी ब्रेकिंग भी मुझे ड्राइव के दौरान महसूस हुई है। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस मर्सिडीज बेंज की नई जीएलई के बारे में तो परफॉर्मेंस वाले एरिया में गाड़ी किसी भी तरह से निराश नहीं करती है। अच्छा परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी, टॉर्क डिलीवरी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो आज हमने चलाया पेट्रोल वाला इसमें देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो गाड़ी में जो चेंजेस हुए हैं, हालांकि इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर लुक की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा मामला नहीं बदला है, बट थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। एंड अगर थोड़ा और इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मर्सिडीज इस नई जीएलई के एक्सटीरियर में स्पेशली कुछ बदलाव करती तो थोड़ा मामला और बेहतर एज अ पैकेज हो सकता था, बट फीचर्स भी अब काफी नए एड इस मर्सिडीज बेंज की जीएलई में हो गए हैं तो वहां पर भी मामला काफी सॉर्टेड फील हो रहा है। एंड ऑल्सो गाड़ी में जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरह की ड्राइव, हैंडलिंग देखने को मिलती है दोनों एरियाज में मर्सिडीज बेंज की ये जीएलई काफी रिलायबल फील होती है। और अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम सेगमेंट में कोई एसयूवी तलाश रहे हैं जहां पर आपको थोड़ी तेज तरार एसयूवी चाहिए और गाड़ी फीचर लोडेड होनी चाहिए, थोड़ा सा आप डिजाइन से एक्सटीरियर के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो उन मायनों में मुझे लगता है मर्सिडीज बेंज की ये जीएलई आपके लिए एक परफेक्ट गाड़ी बन सकती है। स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो। मैं हूं अंकुर तनेज और मौजूद हूं बुध इंटरनेशनल सर्किट पे जहां पर आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं यामा की R3 और यामा की MT-03 को। अब इंजन दोनों बाइक्स में सेम है बट फेड और नेकेड बाइक वाले वो अंतर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह का डिज़ाइन इन बाइक्स में ऑफर करा गया, एंड ऑल्सो सेगमेंट में जो और बाइक्स हैं उनके मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करती हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं इस R3 के बारे में। अब दोनों बाइक्स में हालांकि इंजन सेम है, 321 सीसी का इंजन दिया गया है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में दोनों बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर यह फुली फेयर डिज़ाइन इस R3 का देख सकते हैं और यही इसकी मेन USP है। जिस तरह का एरोडायनामिक्स इस बाइक में देखने को मिलता है वो इसकी राइड के टाइम पर आपको बिल्कुल वहाँ पर एश्योरेंस देता है, जिस तरह की बाइक ये है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और ऑल्सो फ्रंट पर भी देखेंगे ये पूरा यामा ब्लू कलर जिसे आप कह सकते हैं, एंड यहाँ पर फ्रंट में यामा की बैजिंग, यहाँ पे बॉडी कलर ही इसका नीचे मडगार्ड दिया गया है फ्रंट में। ड्यूअल चैन ABS के साथ दोनों ही बाइक्स आती हैं। एंड यहाँ पे साइड में आएंगे तो यहाँ पे पैनल का कलर थोड़ा सा यहाँ पे टोन, यहाँ पे ग्रेज टोन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे R3 की बैजिंग साइड में देखने को इधर इसकी फेयरिंग पे ही मिल जाती है। ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल है, जो कलर पैटर्न है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। एंड हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे LED सेटअप पूरा इस्तेमाल करा गया है, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसमें LED देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो व्हील साइज है 17 इंच 110 सेक्शन के व्हील्स फ्रंट में दिए गए हैं। ड्यूअल चैन ABS जिसकी मैंने बताया बाइक में आता है, दोनों ही बाइक्स में आता है। एंड रियर टायर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 17 इंच 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्टिव वो थोड़ा सा अपस्वेप्ट है, एंड यहाँ पर ब्लैक और ये सिल्वर कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट पाइप में इसके आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पर सेंटर पैनल में ब्लैक सेंटर पैनल दिया गया है, जहाँ पर थोड़ा टेक्सचर आप देख सकते हैं ये दिया गया है। एंड टैंक का जो साइज़ है, प्रोपोर्शन है, वो भी काफ़ी राइड को कॉम्प्लीमेंट करता है। किस तरह का ओवरऑल राइड परफॉर्मेंस है उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब पोस्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर मामला काफ़ी कंफर्टेबल मुझे इस तरह की बाइक में बैठने के बाद। अमूमन जो फेड बाइक्स हैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम, बट यहाँ पर पोस्चरिंग मुझे काफ़ी अच्छी इसकी लग रही है। क्रिपॉन हैंडल बार्स यहाँ पे दिए गए हैं, सो प्रॉपर वो रेसिंग वाला स्टांस, जिस तरह का स्टांस इस तरह की बाइक पे चाहिए होता है, तो यहाँ पर मुझे वो महसूस हो रहा है। राइड के दौरान कैसा है दैट इज़ अनदर क्वेश्चन विच विल टॉक अबाउट लेटर। देन आगे बढ़ें और बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की।
अब मामला यहाँ पर थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल गेज, टेम्परेचर बाद ये सब ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ और फीचर जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि इसमें आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो जो इसके लीवर्स हैं दोनों साइड, यहाँ पर आपको एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा पीछे चला जाता है। एंड ऑल्सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भी इस R3 या फिर MT03 में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस यामा की R3 में देखने को मिल रहा है। अब सीट हाइट की बात करें तो 780 mm दोनों ही बाइक की सीट हाइट है, तो कोई डिफरेंस वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात हुई इस यामा की R3 की। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी MT03, द नेकेड वर्जन। जो MT03 है, डिज़ाइन में फ्रंट में आप देखेंगे हेडलैम्प का डिज़ाइन या प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि उसमें LED सेटअप दिया गया है। DRLs कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें साइड में दिए गए हैं, तो अग्रेसिव सामने से ही देखने में ये लगती है। एंड फ्रंट में बॉडी कलर इसका मड गार्ड, यामा की ब्रांडिंग, अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ ये नियॉन कलर में या ब्लू कलर में, ब्लू टोन में ये इसके व्हील्स देखने को मिलते हैं। व्हील्स के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसमें व्हील्स दिए गए हैं वो हैं 17-inch 120 सेक्शन के व्हील्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ड्यूल चैनल ABS सेटअप भी MT03 में देखने को मिलता है। अब रियर के व्हील की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो व्हील साइज़ है वो है 17-inch 140 सेक्शन का एग्जॉस्ट हेल, वैसे ही सेम R3 वाला ये ब्लैक और ये सिल्वर टोन में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। साइड में आए तो यहाँ पर ये ग्रे टोन के साथ ये ब्लू टोन का इस्तेमाल करा गया है। एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट का सेटअप जो है वो भी LED है, इंडिकेटर्स भी LED देखने को मिलते हैं। अब बाइक पर बैठने के बाद पोस्चरिंग कुछ इस तरह से बन रही है, वही अपराइट पोस्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। सो मामला यहाँ पर वो स्ट्रीट नेकेड बाइक वाला फील थ्रू आउट देखने को मिल रहा है। टैंक का जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, थोड़ा सा कम होता तो और बेटर मुझे लगता है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ से जो प्रेजेंस बन रहा है बाइक का वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बट मामला अभी फिलहाल कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। स्क्रीन की बात करें तो सेम फीचर्स हैं दोनों बाइक में, वो डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी जो चीज़ें वहाँ दी गई हैं वो यहाँ पर हैं, जो यहाँ मिसिंग है वो वहाँ पर ही मिसिंग है, तो कोई डिफरेंस वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलता है। एंड बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, एंड राइट साइड में इग्निशन, इंजन किल स्विच एंड हैजर्ड लाइट का स्विच भी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। एंड सेम सेटअप जो है वो R3 में भी देखने को मिलता है। Now let's talk about the performance of both these Yamaha bikes, MT03 and Yamaha R3. अब इन बाइक्स का इंडिया में आने का काफ़ी समय से यामा के फैंस इंतज़ार कर रहे थे। R3 काफ़ी समय पहले डिसकंटिन्यू हुई थी, लेकिन एक लंबे समय बाद उसकी वापसी हुई है। MT03 एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों ही बाइक्स में सेम इंजन का इस्तेमाल करा गया है। तो पहले बात करते हैं MT03 की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंजन की जो पावर है दोनों में सेम ही है, 41.4 BHP पावर है और टॉर्क है 29.6 Nm का। अब MT03 एज अ स्ट्रीट नेकेड बाइक इंट्रोड्यूस करी गई है, तो वो पोस्चरिंग जो है उसी तरह का देखने को मिलता है एंड वो काफ़ी कंफर्टेबल भी थ्रू आउट द राइड लगता है। एंड बाइक का जो ओवरऑल कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में जो बेस्ट आस्पेक्ट है इन दोनों बाइक्स में, जो इंजन दिया गया है वो काफ़ी सॉर्टेड है। शुरुआत से ही एक अच्छा परफॉर्मेंस बाइक में देखने को मिलता है। एंड 6-speed का गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन दिया गया है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में बाइक किसी भी मायने में निराश नहीं करती, एक्सेप्ट लो एंड में मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर पावर डिलीवरी हो सकता था, बट उसके अलावा बहुत ही माइन्यूट सा इशू लगा, बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द राइड। जो ट्रैक पे मैंने BIC बेस MT03 को चलाया तो वहाँ पर बाइक ने किसी भी तरह से निराश नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ R3 की बात करें तो R3 मुझे कई मायनों में MT03 से ज़्यादा बेहतर लगी। जो ओवरऑल इसका पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अमूमन जो फुली फेयर बाइक्स होती हैं उनमें पोस्चरिंग जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा ज़्यादा उनको चलाने के बाद, लेकिन यहाँ पर बाइक का जो ओवरऑल पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल थ्रू आउट द राइड मुझे महसूस हुआ इस यामा की R3 के अंदर। एंड बाइक का जो ओवरऑल बैलेंस है, कंट्रोल है, वो भी काफ़ी सॉर्टेड फील होता है। परफॉर्मेंस के आंकड़े हालांकि सेम है, लेकिन बाइक जो है ज़्यादा फन आपको R3 ही लगेगी जब पहली बार आप इसको चलाएंगे। अब हालांकि यामा की जो R3 है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर आई है, कुछ एलिमेंट्स जो है इसके अपसाइड डाउन फोक्स, फ्रंट फेस जो है, LED लाइटिंग वगैरह, ये सब नयापन R3 में देखने को मिलता है। बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेक्स की, तो पहले बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो यामा की R3 में नए USD फोक्स दिए गए हैं, तो ये एक नया एडिशन इस बाइक में हुआ है।
अब इस बाइक को जो हमने चलाया है वो इस BIC ट्रैक पर चलाया है जहाँ पर किसी भी तरह की खराब सड़क हमें देखने को नहीं मिली है, तो उतना अच्छे से इसका ये सस्पेंशन सेटअप वाला पार्ट यहाँ टेस्ट नहीं हो पाया है, बट ओवरऑल जो है तेज रफ्तार में वो अच्छे से काम कर रहा था, कोई दिक्कत उस माहौल के हिसाब से मुझे सस्पेंशन सेटअप में देखने को नहीं मिली है। फिर ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूअल चैनल ABS है, प्रिसाइज है, सटीक है, कोई भी इशू इन दोनों ही बाइक्स में इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स यामा की MT03 या फिर यामा की RC में देखने को नहीं मिला है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं तो यहां पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, एंड स्पेशली इसके प्राइस के वजह से। दोनों ही बाइक्स की जो प्राइस रखे हैं 4,60,000 MT03 का एक शोरूम प्राइस है एंड 4,65,000 यामा की R3 का प्राइस रखा गया है एक्स शोरूम। यस, R3 ये काफ़ी फन पैकेज है, इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट जिस कीमत पर ये बाइक लेकर आई है यामा तो ये प्राइस जस्टिफाई होता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल इन दोनों बाइक्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। बट अंटिल अनलेस आप बहुत ही बड़े यामा के फैन हैं एंड यू ओनली प्रेफर यामा बाइक्स, तो उस मामले में मुझे लगता है अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी बाइक की तरफ जाना चाहते हैं और वहां पर वो यामा वाला परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं तो उस मामले में R3 एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए हो सकती है। और अगर आप इस तरह का प्राइस पे कर सकते हैं काफ़ी कम टेक्नोलॉजी या फीचर्स होने के बावजूद भी, तो उस मायने में मुझे लगता है यामा की R3 एक बेटर प्रॉस्पेक्ट आपके लिए बन सकता है। हमेशा की तरह एक बार फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते टाइम टू शो में हम आपके लिए कुछ और नई कहानियां, कुछ और नए अपडेट्स लेकर आएंगे। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। राइड सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू जॉइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।